तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक नया वीडियो। आज इस वीडियो में हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वो सारे लेके आए हैं। सारे टॉपिक कवर करते हैं हम, 7 से 8 10 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में भी। कुछ नया भी लेके आए हैं इस बार आपके लिए, कुछ 2-3 टॉपिक ऐड किए हैं वो भी हम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, साथ साथ कमेंट करते रहें आप, और जब वीडियो खत्म हो तो बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर टोटल आपके लिए दोस्तों 55 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 55 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर आपका। जब वीडियो खत्म हो तो बताना 55 में से आपके पास कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। साथ साथ कमेंट करते रहे, कोई डाउट हो कमेंट करना। वीडियो खत्म होने के बाद हम आपकी सारी कमेंट पढ़ते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, शेयर भी जरूर करें। जो दोस्त नए हैं चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, घंटी वाला बटन है उसको 2 बार जरूर दबाएं। इससे ये रहेगा कि वीडियो जब भी आएगा आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जब वीडियो शुरू होगा उससे 2 मिनट पहले भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप कुछ काम कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रहेगा हाँ वीडियो आ रहा है, तो आप उसके लिए टाइम निकाल सकें। तो ठीक है दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तीनों चीज़ करना मत भूलना, ये जरूर कर देना। और दोस्तों पूछते रहते हैं आप क्लास, जो बच्चे नए आते हैं कि टाइमिंग क्या है, तो सुबह 8:30 बजे क्लास रहती है अपनी, शाम को 5 बजे क्लास रहती है, और शाम को 8:30 बजे क्लास रहती है। 3 क्लास रहती है, सुबह 8:30, शाम को 5 और रात को 8:30 बजे। इसके अलावा एक्स्ट्रा वीडियो भी आ सकता है कभी भी, लेकिन ये 3 क्लासेज तो अपनी रहती है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रहेंगे पर्यायवाची के, वो ये प्रत्येक शब्द 4 अन्य शब्द दिए हैं, 3 पर्यायवाची हैं, 1 पर्यायवाची नहीं है। जो पर्यायवाची नहीं है उसका आपको चयन करना है। पिशाच का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? भूत, प्रेत, नाकापति, बेतात। क्वेश्चन नंबर 180, जल्दी से कमेंट करते रहे तो साथ साथ जल्दी जल्दी कमेंट करना दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे हम। पिशाच का पर्यायवाची नहीं है, क्या राइट आंसर रहेगा? राकापति। 3 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 180 के अंदर एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। जी हाँ दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा 181 के अंदर। क्वेश्चन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, छाया, सुता, तन्या, आत्मजा। क्वेश्चन नंबर 181 राइट आंसर क्या रहेगा। इससे पहले दोस्तों 179 तक हमने पर्यायवाची करा दी, आगे की सीरीज चल रही है अपनी ये। तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, छाया, सुता, तन्या, आत्मजा। क्वेश्चन नंबर 181 राइट आंसर क्या रहेगा? छाया। 1 नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। प्यास का पर्यायवाची नहीं है, सुधा, तृष्णा, तृष्णा, पिपासा। क्वेश्चन नंबर 182 प्यास का पर्यायवाची नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम सही है, एकदम सही, सुधा। 1 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 182 एकदम सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183। प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, आलोक, प्रभा, दीप्ति, दीप। क्वेश्चन नंबर 183 राइट आंसर क्या रहेगा? प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, बहुत बढ़िया, दीप। 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। प्रतिष्ठा का पर्यायवाची नहीं है, कीर्ति, गौरव, सम्मान, आलोक। क्वेश्चन नंबर 184 राइट आंसर क्या रहेगा? प्रतिष्ठा का पर्यायवाची नहीं है, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, आलोक। 4 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 184 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं विलोम शब्द की क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। वही है, 4-4 विलोम शब्द दे रखे हैं, एक ही विकल्प सही है, आपको सही उत्तर का चयन करना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो एकत्व का विलोम शब्द होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। एकत्व का विलोम शब्द होगा क्या होगा? प्रसार, संचार, अल्पत्व, अनेकत्व। क्वेश्चन नंबर 101 110 राइट आंसर क्या रहेगा? इससे पहले हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। एकत्व का विलोम शब्द होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, अनेकत्व। 4 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 110 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एकाग्र का विलोम शब्द होगा ध्यानमग्न, व्यग्र, समाधिस्थ, उग्र। क्वेश्चन नंबर 111 राइट आंसर क्या रहेगा? एकाग्र का विलोम शब्द होगा व्यग्र। 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। एकाधिकार का विलोम शब्द होगा, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वाधिकार, कर्तव्य, स्वामित्व, अपनत्व। क्वेश्चन नंबर 112 राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, एकदम सही दोस्तों, एकदम सही है, यहाँ से जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे साथ साथ में। 1 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। एकांत का विलोम शब्द होगा, एकांत का विलोम शब्द क्या होगा? भीड़, निर्जन, वन, शांत। क्वेश्चन नंबर 113 राइट आंसर क्या रहेगा? एकांत का विलोम शब्द होगा, बहुत सही, बहुत सही, राइट आंसर रहेगा भीड़, एकदम नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों अब नए क्वेश्चन, आपको ये अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का चयन करना है, 4-4 विकल्प रहेंगे, आपको एकदम सही का चयन करना है, जिसे बांटा न जा सके, जिसे बांटा न जा सके उसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण, अतुलनीय, विभाजित, अभाजित, अपरिहार्य। क्वेश्चन नंबर 34, इससे पहले 33 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे, जो दोस्त नए आए हैं वो जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। राजस्थान हाईकोर्ट LDC की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। जो बांटा न जा सके,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपरिहार्य अपाजी है, चार नंबर ऑप्शन एकदम सही है अपाजी, जिसको बांटा ना जा सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 100 करोड़ की संख्या, 100 करोड़ की संख्या क्या बोलेंगे? 100 करोड़, अरब, शतम करोड़, करोड़ शतक। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 100 करोड़ की संख्या, कन्फ्यूज ना होना, 100 करोड़, अरब, शतम करोड़, करोड़ शतक। क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया एकदम सही दोस्तों, उसको बोलेंगे अरब। एक नंबर ऑप्शन, दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जो सोच करने योग्य न हो, जो सोच करने योग्य नहीं, उसको क्या बोलेंगे? विशोक, अशोक, असोच्य, निश्चिंत। क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर क्या रहेगा? जो सोच करने के योग्य नहीं हो क्या बोलेंगे? विशोक, अशोक, असोच्य, निश्चिंत। क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर क्या रहेगा? असोच्य। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करते रहिए दोस्तों, आप जोश के साथ, होश के साथ करते रहिए, जल्दी जल्दी करिए आप आंसर का, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्वेश्चंस के। एक एक अक्षर तक, एक एक अक्षर तक क्या बोला जाएगा उसको? संपूर्ण, अपादमस्तक, नक्षिक, अक्षरश। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, एक एक अक्षर तक क्या बोला जाएगा उसको? जो एक एक अक्षर तक, उसको अक्षरश। चार नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, क्या बोलेंगे? सुहागिन, योगिनी, खंडिता, आगत पति का। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, बहुत बढ़िया एकदम सही है दोस्तों, योगिनी। जय दोस्तों एकदम सही, अच्छी तैयारी आपकी। दो तो नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रुपए पैसे से संबंध रखने वाला प्रकरण, रुपए पैसे से संबंध रखने वाला प्रकरण क्या बोला जाएगा उसको? कैशियर, खजांची, आर्थिक, वाणिज्यिक। थोड़ा सोच के जवाब देना दोस्तों। रुपए पैसे से संबंध रखने वाला प्रकरण, क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन रुपए पैसे को रखने वाला नहीं है, रुपए पैसे से संबंध रखने वाला है। रुपए पैसे रखने वाला नहीं, रुपए पैसे से संबंध रखने वाला प्रकरण क्या बोला जाएगा? बहुत बढ़िया, आर्थिक। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इतिहास को जानने वाला, इतिहास को जानने वाला क्या? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, विशेषज्ञ, पुरातत्व वेत्ता। बहुत बढ़िया, इतिहास को जानने वाला क्या बोला जाएगा? ऐतिहासिक। दो नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब उपसर्ग कर लेते हैं। प्रयुक्त उपसर्ग के चार चार विकल्प दे रखे हैं, आपको सही उपसर्ग का चयन करना है, ठीक है दोस्तों? जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। राजस्थान हाईकोर्ट में तो नहीं आ रही चपरासी के अंदर, लेकिन उपसर्ग को प्रत्येक बिना आप संधि भी नहीं कर पाओगे, ये भी कन्फर्म है। तो दोस्तों आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, दो चार क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। देखिए ध्यान लगाइए, कुछ अच्छा भी आपके लिए ला रहे हैं। और भी हमें उत्प्रेक्षण का में कौन सा, उत्प्रेक्षण के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15, इससे पहले 14 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, आपको पता ही है, सीरियल वाइज कर रहे हैं सारे अल्फाबेट से। उत्प्रेक्षण के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? बहुत बढ़िया, एक उत् उपसर्ग होगा। जी दोस्तों एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उद्गम, उद्गम है ये, ऐसे उद्गम लिखते हैं ना, ठीक है? उद्गम के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? उद, उत, अति या आ? राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, उद। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपचार के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? उपचार के अंदर कौन सा होगा? अप, उप, उद, उत। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया ज्यादा दोस्तों, सही एकदम सही है, राइट आंसर रहेगा उप। ज्यादा दो नंबर ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। जल्दी जल्दी करिए, दिमाग लगा के आराम से कीजिए। वैसे नहीं है कि आपको एकदम से जल्दी सबसे पहले कमेंट करनी है, ऐसा नहीं। सबसे पहले कमेंट करनी, आप ये देखिए आपको जो आ रहा वही टिक करें, किसी दूसरे का देखिए भी टिक ना करें, और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उपदेश के अंदर बताइए दोस्तों कौन सा उपसर्ग होगा? उप, उपद, उत या उद? चार ऑप्शन है, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन 18 उप होगा। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन 18 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इस बार किस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वही चार चार विकल्प दे रखे हैं आप लोगों को, चार में से सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है दोस्तों? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा? ए, ई, मी या फिर ई? बहुत सही है, राइट आंसर रहेगा ई, बड़ा ई रहेगा। चार नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जागृति के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा? इत, इति, ती या फिर ई? बहुत सही, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ख्यात के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा?
ए या तय या कोई प्रत्यय नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर क्या रहेगा, ख्यात के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा, तो दोस्तों तय प्रत्यय होगा। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गंतव्य के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा, तव्य ए ऐ या फिर वे। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर क्या रहेगा, गंतव्य के अंदर कौन सा प्रत्यय होगा, एकदम सही है दोस्तों, बहुत सही, तव्य प्रत्यय। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम सही है। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप बताइए दोस्तों कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है आपको। चलिए दोस्तों संधि क्वेश्चन है, चार चार विकल्प दिए, आपको सही विकल्प का चयन करना है। उन्मत्त के अंदर कौन सी संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर क्या रहेगा, उन्मत्त के अंदर कौन सी संधि होगी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर क्या रहेगा, व्यंजन संधि। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अम्मे के अंदर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 अम्मे के अंदर कौन सी संधि होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अम्मे के अंदर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। जी हाँ दोस्तों तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों अब आप थोड़े समास के क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रत्येक समास के लिए चार चार विकल्प दे रखे हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों जल्दी से बताइए, निर्विवाद के अंदर कौन सा समास होगा, विभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर क्या रहेगा, निर्विवाद के अंदर कौन सा समास होगा, बहुत सही, एकदम सही दोस्तों, अविभाव समास, एक नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। समास का कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, रिपीट हो रहे हैं ना, एक एक जैसे आंसर आ रहा है ना। एकाएक के अंदर कौन सा समास होगा, द्वंद, द्विगु, अभिभाव, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर क्या रहेगा, एकाएक के अंदर कौन सा समास होगा, अविभाव। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कल दोस्तों समास में कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। नित्य प्रति के अंदर कौन सा समास होगा, बहुत सही, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव। राइट आंसर क्या रहेगा, अविभाव। बच्चों को आंसर पहले पता हो रहा है, अब तो क्या आंसर आना है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी आओ आंसर तो फिक्स आना है, ऐसा लग रहा है ना। गगनचुंबी के अंदर कौन सा होगा दोस्तों, द्विगु, दंत, तत्पुरुष, अविभाव। गगनचुंबी के अंदर कौन सा होगा, राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो इसके अंदर होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। तीन नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समास यहीं खत्म करते हैं। अब मुहावरे कर लेते हैं, सही मुहावरे का आपको चयन करना है। तो बताइए जल्दी से क्या हो, अपना सिक्का जमाना, अपना सिक्का जमाना। जी हाँ दोस्तों बताइए, किसी को ध्वस्त दिखाना, लोगों को आतंकित करना, प्रशासनिक कार्य कुशल होना, अपना प्रभुत्व दिखाना। जी हाँ दोस्तों सिक्का तो हर जगह जमना ही चाहिए, बस याद रहे सिक्का जमाने से याद आया दोस्तों, वो है ना एक कहावत बोल लो चाहे सुविचार है आपके लिए, कहावत तो नहीं है, पाना है जो काम वो अभी बाकी है, अभी तो आए हैं ज़मीन पर आसमान की उड़ान बाकी है। पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है, अभी तो आए हैं ज़मीन पर आसमान की उड़ान अभी बाकी है, अभी तो सुना है लोगों ने सिर्फ मेरा नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। तो जी हाँ दोस्तों बस पहचान बनाने के लिए आप करना क्या है, वो ये बस मन लगा के तन मन धन से रहते हैं, उसी तरह आपको लगना है पूरा सा मंजिल तो आपको मिल रखी है, मान लीजिए बस आपको सही राह ढूंढना है। तो सही राह यही है दोस्तों, पढ़ाई आपको किस एंगल से किसके साथ करनी है वो ढूंढना, आपको मंजिल आपको पता ही है क्या है, तो बस आप अपना नाम बना लीजिए, अपना सिक्का बना जमाना है तो थोड़ा सा ध्यान से अपना सिक्का जमाना। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। जी हाँ दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपकी लगन कैसी है इस पर डिपेंड करता है, आपका पढ़ने का तरीका क्या है इस पर डिपेंड करता है। मैंने पहले बताया था दिमाग सबका एक जितना बड़ा होता है, कोई किसी का बड़ा छोटा रहता है, फ़र्क कितना होता है कि पढ़ने का तरीका है, कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, अब ये आप पे डिपेंड करता है। और राह सही होना चाहिए दोस्तों, मंजिल आपको पता है कि आया है, बस राह अच्छा सा सही रखिए अपने साथ और उसके साथ चलते रहिए और सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। तो राइट आंसर चार नंबर ऑप्शन रहेगा, नौ नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के साथ। और अपना खिचड़ी अलग से पकाना, अपनी खिचड़ी अलग से पकाना, ठीक है दोस्तों, खिचड़ी दलिया वाली वो नहीं है, ये कहावती है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपनी कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सबसे अलग पहरा। जी हाँ दोस्तों एक नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर भी डायलॉग पे बताना दोस्तों, इसको देख के जोश में मत आना ज़्यादा। अपनी माँ का दूध पिया होना क्या रहेगा दोस्तों, अपनी माँ का दूध पिए होना क्या रहेगा, तंदुरुस्त होना, साक्षी और शक्तिशाली होना, झगड़ालू होना, वफादार होना। अपनी माँ का दूध पिए होना, राइट, बहुत सही, बहुत सही, एकदम बढ़िया, साक्षी और शक्तिशाली होना। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम
सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आंख मूंद कर कार्य करना, आंख मूंद कर काम करना, आंख बंद करके काम करना, पूर्ण विश्वास करना, किसी की परवाह नहीं करके अपना काम करना, सोच समझ कर काम करना, ये उपयुक्त सभी ही सही हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर रहेगा दोस्तों, किसी की परवाह नहीं करके अपना काम करना। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहावत, जो मुहावरे थे अब कहावत कर लेते हैं, वही चार चार दे रखे हैं, एक ही विकल्प सही है, आपको सही अर्थ वाले का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, क्या रहेगा जल्दी से बताइए दोस्तों। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तीन गलत एक सही है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको 4-5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताइए दोस्तों। बहुत सही, ये भी दोस्तों सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चन पर अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग है, ये मान लीजिए ए आ से लेके क, ख से लेके अक्षर ज्ञ तक करेंगे, तो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जितने भी हैं सब के सब मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना भी हो सके सारे के सारे करवा दूँ। जो भी आप बुक्स पढ़ते हो, सारी बुक्स में जितने भी होते हैं सारे इनका निचोड़ एक जगह करके मैं आपके लिए सामने ले आऊँगा। आप चाहे 5 बुक पढ़ लेना, चाहे 3 बुक पढ़ लेना, चाहे 1 पढ़ लेना, 3 भी पढ़ोगे या 5 भी पढ़ोगे ना, पाँचों के अंदर जितने भी जैसे मुहावरे हैं, लोगों के विलोम सब प्राय बच्चे जितने भी हैं वो सारे मैं इसी वीडियो में अंदर करवाते रहूँगा आपको, तो आपको कहीं दूसरी जगह इतना देखने की जरूरत नहीं है, आप तो यहीं देखिए बस, साथ बने रहिए। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा मनमानी करना, जी हाँ दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी पगड़ी अपने हाथ, क्या राइट आंसर रहेगा। बहुत सही, बहुत जल्दी कमेंट किया दोस्तों आपने, तो डायरेक्ट नज़र ही आपके आंसर पे रहती है ऐसा लग रहा है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, क्या राइट आंसर रहेगा। अपने सम्मान को बनाए रखने स्वयं से ही संभव है, 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पछताई हो क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। दोस्तों ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, वही चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को भूल जाना, बस इस क्वेश्चन को याद रखना, हालांकि बहुत ईजी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर क्या रहेगा, एकदम सही है। कार्य बिगड़ जाने के बाद पछताना व्यर्थ है, 1 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों अब कुछ नया क्वेश्चन कर लेते हैं। वही है आपको शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, आपको बनने 2 तरीके बताइए, दोनों में से किसी तरीके से भी आ सकती है, ये थोड़ा नाम आगे आ रहा होगा शायद। चलिए दोस्तों क्वेश्चन मानो, हमें सरल मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं, अगर आंसर में कोई गलती नहीं है तो आप डी को टिक कर सकते हैं, या इन तीनों में से कोई गलत है तो आप फिर उनमें से कोई टिक कर सकते हैं, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर क्या रहेगा, हमें सरल मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, या दोस्तों एकदम सही है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, यानी बी ऑप्शन में गलती है, अनुसरण की जगह अनुसरण आएगा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, मैंने नीचे लिखा है अनुसरण की जगह अनुसरण होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब प्रश्न यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा, कोई त्रुटि नहीं है, या दोस्तों कोई गलती नहीं है तो डी बोल दीजिए, नहीं या ए बी सी में से आप बताइए, एकदम सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही है दोस्तों आपका। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सी, पुनरुत्थान यह है, इसकी जगह क्या आएगा देखिए, पुनरुत्थान की जगह ऐसा लिखा जाएगा पुनरुत्थान। तो दोस्तों 2-3 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छात्राओं ने रंगारंग कार्य में भाग लिया, कोई त्रुटि नहीं, छात्राओं ने रंगारंग कार्य में भाग लिया, कोई त्रुटि नहीं, तो बताइए जल्दी से बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही, राइट आंसर रहेगा दोस्तों, कोई त्रुटि नहीं इसके अंदर, जी है दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का एकदम सही रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हम रोजाना करते हैं, इतने कुछ अलग थोड़ा सा दिमाग शार्प करने के लिए, बस पसंद आए तो बता देना दोस्तों, बाकी मैं तो आपकी भले के लिए कर रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगे, जिन्होंने पढ़ लिए उनके रिपीट हो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखे हैं उनको भी थोड़ा सा दिमाग तंदुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी साहित्य है, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े से क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंधित क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ है कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, इस्तवार दाल, लिखते रेतुर हिंदुस्तानी, बहुत तगड़ा नाम है भाई, शिव सिंह सरोज, बताइए दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ, बहुत सही दोस्तों, इसका रहेगा आज ये वाला आंसर, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, आप पढ़ लेना, 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, 1932 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1945,
फटाक से जवाब दीजिए दोस्तों, एकदम जल्दी से जल्दी करते हैं, बस कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है दोस्तों इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? बहुत सही, 1929 में। दो नंबर ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसका एकदम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मिश्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे, मिश्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे। चार ऑप्शन है, देख लीजिए कौन नहीं थे। सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। चार दोस्तों कौन थे? बहुत सही राइट आंसर रहेगा इसका, कृष्ण बिहारी मिश्र। तीन नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे, वाजपेयी। बहुत सही राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका, क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, सूर्यकांत शास्त्री, गणपति चंद्र गुप्त। बताइए दोस्तों, बहुत सही राइट आंसर रहेगा डॉक्टर बच्चन सिंह। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब रहेगा दोस्तों ये थोड़ा सा लिखने में, पद्य ऐसे लिखते हैं अपन, तो ये थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखने में लिखा ही नहीं जा रहा था इसलिए यही लिखा था। साहित्य पद्य की रचना है और उनके रचयिता है। आदिकाल यानी अपभ्रंश काव्य की है, तो ये कुछ है इनके बताने आपको, रचना है उनके, रचयिता हैं आपको बताने कौन है रचयिता। प्राकृतक व्याकरण के रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, धनपाल। दोस्तों कैसे हैं क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिए, बताइए दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन सही है क्या? आगे और ये पुस्तक आएगी, उनके लेखक के नाम भी बताने हैं आपको, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जारी रखें या नहीं आप जरूर कमेंट करना। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करना दोस्तों, वो कमेंट हम ज़्यादा पढ़ते हैं, आपकी ध्यान रखते हैं। ये कमेंट तो क्या जल्दी जल्दी ऊपर नीचे स्लाइड होती रहती है, तो ये अगर छूट भी जाती है, पर आप वो कमेंट जरूर करना वीडियो खत्म होने के बाद, हम जरूर पढ़ते हैं आपकी कमेंट। प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, राइट आंसर क्या रहेगा? हेमचंद्र। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पौचरिव की रचयिता कौन है? मेरुतुंग, धनपाल, स्वयंभू, राउरवेल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर क्या रहेगा? पौचरिव के रचयिता कौन है? तो वो रहेंगे स्वयंभू। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। महापुराण के रचयिता कौन है? महापुराण के रचयिता कौन है? जोइन, राम सिंह, हेमचंद, पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर क्या रहेगा? महापुराण के रचयिता है तो वो थे दोस्तों पुष्पदंत। चार नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम राइट रहेगा। चलिए दोस्तों बिसलदेव रासो पढ़ा होगा आपने, इजी होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों क्या राइट आंसर रहेगा? नरपति नार। दो नंबर ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अब चंद्रवरदाई मत बोलना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाल रासो गलत है दोस्तों, चार नंबर जरूर कमेंट करना। परमाल रासो का राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, एकदम सही दोस्तों, जगनिक। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका दोस्तों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पुस्तक है, इनके लेखक है, इनके नाम में आपको ऐसी ऐसी पुस्तकों का नाम बताऊंगा आपकी हिंदी से रिलेटेड, जो शायद आपने अभी तक किसी बुक में पढ़े भी नहीं होंगे सर, यानी कि सारे के सारे। अगर मैं आपको 100 बुक के नाम बताऊंगा तो 40 बुक तो कन्फर्म ऐसी होगी जो आपको कभी पढ़े ही नहीं होंगे आपने। तो जय मयंक जस चंद्रिका की कौन है दोस्तों रचयिता? मधुकर कवि। दो नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? बहुत सही एकदम बढ़िया, चंद्रवरदाय। एक नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों ये तो हिंदी से जो पद्य साहित्य था उससे रिलेटेड थे, अब थोड़े गद्य साहित्य की पुस्तक और उनके लेखकों के नाम है। आरंभ और भारतेंदु युग से रिलेटेड है, ये भी ध्यान रखना। अलग अलग युग के भी आपको मैं अलग अलग युग के अकॉर्डिंग कराऊंगा, अभी आरंभ और भारतेंदु युग के हैं, इसके बाद दूसरे युग के कराऊंगा। प्रेम सागर के लेखक कौन है? सदल मिश्र, प्रेमचंद्र, लल्लू लाल राम सागर। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर क्या है? बहुत बढ़िया दोस्तों, ये रहेगा अपने लल्लू लाल जी रहेंगे इसमें, लल्लू लाल जी। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नाचिकेतो पाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, इंसार अल्लाह खां, पंडित वंशीधर, सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर क्या रहेगा?
नचिकेतो पाख्यान के लेखक कौन है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा सदल मिश्र। चार नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दो का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, जगत वृत्तांत के लेखक कौन है? सदल मिश्र, सदाशुक लाल, पंडित वशीधर, लल्लू लाल। लल्लू लाल जी बार बार आए हैं। जगत वृत्तांत के लेखक कौन है दोस्तों? तो इनका राइट आंसर रहेगा पंडित वंशीधर। तीन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीन का एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बस हो गए दोस्तों, हो गए। जल्दी से बताइए दोस्तों 55 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और बताइए दोस्तों आपके वाले क्वेश्चन जो लास्ट में हमने लिए लेखक, ये भी आपको कराने या नहीं कराने जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूलना प्लीज़, जाते जाते लाइक करना। और दोस्तों एक रिकॉर्ड बना दीजिए आज कि 50 लाइक करने हैं लाइव वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, लाइव वीडियो है, 50 लाइक तो लाइक इसी के अंदर करने हैं। एक रिकॉर्ड बना दीजिए, आज तक हमने कभी नहीं हुआ ऐसा, आप जरूर बना सकते हैं, आपके हाथ में है सब कुछ, आपसे हम हैं। तो दोस्तों जरूर बताना आप 55 में से कितने सही हो रहे हैं, और ज़रूर लाइक करना दोस्तों, लाइक करना मत भूलना प्लीज़, लाइक करते जाइए दोस्तों। और वीडियो खत्म हो रहा है, शेयर करना किसी हालत में मत भूलना, शेयर भी जरूर कर देना। जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दो बार दबाना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सही तरीके से मिल जाए। दोस्तों सुबह क्लास 8:30 बजे रहती है, शाम को 5 बजे रहती है, और रात को 8:30 बजे। जो दोस्त नए हैं उनको बता देता हूँ, सुबह 8:30 क्लास रहती है, शाम को 5 रहती है, शाम को 8:30 रहती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेज भी आ सकती हैं, वो अलग टाइम पे आएगी, लेकिन ये तीन क्लासेज फिक्स हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाए। कोई डाउट तो कमेंट जरूर करें, हम आपकी कमेंट जरूर पढ़ेंगे। और दोस्तों बस यही बोलूँगा, आप मन लगा के ध्यान से करते रहिए, आपके लिए लॉकडाउन अच्छा समय है तैयारी करने के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, तैयारी करने के लिए बहुत बढ़िया है, आपको टाइम, वैकेंसी आगे जा रही है, आपके लिए अच्छा समय, जरूर करते रहिए अच्छी तैयारी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके ऐसे अच्छी सी तैयारी करवाते रहेंगे। इंग्लिश के लिए भी बोलते रहते हो दोस्तों आप, तो इंग्लिश का भी मैडम को भेज रखा है, जब भी बनेगा हम पूरी कोशिश करें आपके लिए बनवाएं। अगर नहीं तो हम दो तीन गवर्नमेंट टीचर और भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो उनसे जैसे हमारा कॉन्टेक्ट सही हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन में ड्यूटी उनकी भी है, तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों 10 से 15 वीडियो आपके लिए जरूर बनाएं हम। तो हम चाहे वो, लेकिन ये कन्फर्म हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट टीचर हो गए, जो सरकारी अध्यापक है, उन्हीं से बनवाएंगे इंग्लिश के वीडियो, तो हमने ही सोच रखे। अदरवाइज मैं भी बना सकता हूँ, पर वो थोड़ा अच्छा है उनका, तो उनसे बनवाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।